बिहार में महागठबंधन की सरकार है। अभी कल ही कई विपक्षी नेताओं से मिलकर उन्हें एकजुट करके नीतीश कुमार आए हैं। वहीं बिहार में विधानसभा की 3 सीटों कुढ़नी, गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग द्वारा अब तक भले ही चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई हो, लेकिन इन 3 सीटों को लेकर राजनीति गर्म है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी उपचुनाव की 3 सीटों पर ताल ठोकने की घोषणा कर भाजपा और महागठबंधन के लिए परेशानी बढ़ा दी है। इधर सत्तारूढ़ महागठबंधन के घटक दलों में सीट को लेकर दावेदारी की जा रही है। गोपालगंज भाजपा की सीट रही है। 2020 में इस सीट से भाजपा कोटे से सुभाष सिंह ने चुनाव जीता और राज्य की एनडीए सरकार में मंत्री बनाए गए। वो बात अलग है कि अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर वो मंत्री बनने के बाद भी लगातार दिल्ली में इलाजरत रहे और बाद में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वहीं अपने प्रत्याशी के निधन के बाद भाजपा वापस यहां से उम्मीदवार देने की तैयारी में है। सहनी की वीआईपी भी ऐलान कर चुकी है कि गोपालगंज में वो अपना प्रत्याशी देगी और उसका मुकाबला सीधे भाजपा प्रत्याशी से होगा। उपचुनाव की दूसरी सीट मोकामा है। इस सीट से राजद उम्मीदवार अनंत सिंह ने चुनाव जीता था, लेकिन घर में AK-47 रखने के आरोप में उन्हें आरोपी करार दिए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। मोकामा जदयू अपनी परंपरागत सीट बताकर दावा ठोक रही है, वहीं राजद भी इसे अपनी सीट बता रहा है। वीआईपी भी यहां प्रत्याशी उतारेगी। उपचुनाव के परिणाम और उसे लेकर चल रही गोलबंदी की चर्चाएं जोरों पर हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि ये चुनावी नतीजे बिहार की आने वाली राजनीतिक हलचल को प्रभावित करेंगे। इसे लेकर अभी से बीजेपी गुणा भाग कर रही है। वहीं महागठबंधन पूरी तरह से अस्वस्थ दिखने में जुटा है कि हो ना हो ये सीट उन्हीं के कब्जे में आएगी। इधर इन 3 सीटों पर जीत हासिल कर दोनों गुट ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनकी ताकत बिहार में अभी भी ज्यादा है। इसे लेकर दोनों तरफ सियासी रणनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि गोपालगंज, कुढ़नी और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन सियासी हलचल तेज है। इन 3 सीटों पर महागठबंधन और बीजेपी के प्रतिष्ठा दांव पर होगी। वहीं राजद कार्यालय में एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि महागठबंधन ही ये चुनाव जीतेगा, क्योंकि सारे समीकरण अभी महागठबंधन के पास हैं। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट से राजद प्रत्याशी अनिल सहनी ने बीते चुनाव जीत दर्ज कराई थी, लेकिन ITC घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद सहनी की सदस्यता रद्द होना तय है। कुढ़नी सीट निषाद बहुल सीट है। राजद यहां से अपना प्रत्याशी देगी। निषाद वोट बैंक पर दावा करने वाली वीआईपी भी इस सीट से उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। भाजपा भी यहां किस्मत आजमाएगी। वीआईपी फिलहाल किसी गड़बड़ में नहीं है। ऐसी स्थिति में भाजपा को जहां गोपालगंज सीट को बचाए रखने की चुनौती है, वहीं राजद के लिए मोकामा और कुढ़नी की सीट प्रतिष्ठा से जुड़ा है। राजद के पास अभी सबसे अधिक विधायक हैं। ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके विधायकों को संख्या कम हो। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति कहते हैं कि वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी दल चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने दावा किया कि 3 सीटों पर वीआईपी सीधे मुकाबला में होगी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।